से पिक्चर अभी मैं ट्रेलर देखा, एक फ्रेश लुक लग रहा है और पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी होगी। और धीरज जो हमारा पुराने जो मेरा मतलब एक दोस्त भाई जैसा ही है, और भगवान करे ये पिक्चर सुपर हिट हो जाए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा एंड एक नया लुक लगा। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, काफी शानदार रहा ट्रेलर, क्या कहना? सर ने कह दिया इतनी बड़ी बात, अब सर का ऑलरेडी मेरे सामने, मैं क्या बोलूँ, सर को अच्छा लगा, बस मेरी फिल्म हिट हो गई। सर ने कहा कहने काफी। कितना मुश्किल रहा इस फिल्म को बनाने के लिए? मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन इतना मुश्किल वाला फन था, मोमेंट था, सब टीम सारी यंग है, सारी अपनी यंग टीम है, तो मुझे काफी मजा आया साथ काम। सबसे बड़ी बात है ऐसे चेहरे लेके अच्छे, मतलब एक फ्रेश लग रहा है और हर चीज़ फ्रेश लग रहा है इसमें, और हमारी हमारा ब्लेसिंग है इस पिक्चर को और पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी। मैसेज कुछ नहीं दे रही, आपको एंटरटेनमेंट दे रही है। मैम आपको फुल, आपको आपको जब दो घंटे आप बैठने वाले हो, आप एंजॉय करने वाले हो, आपको हंसाने वाले हैं, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आ रहे, आपको हंसाने आ रहे हैं। मैसेज तो व्हाट्सएप पे आते हैं, मैसेज आप पढ़ो रोज व्हाट्सएप पे। ये फिल्म हमने नैनीताल शूट की है, नैनीताल में बहुत सी जगह है, लोकल में हमने की बासपुर है, रुद्रपुर है, उसके बाद हमने मुंबई में भी शूट किया है गाना इसका, मालसेज में। देखिए मैंने आफ्टर साजन 23 पिक्चर्स बनाई है, सब लव स्टोरी, म्यूजिकल लव स्टोरी है, सब दिल का क्या कसूर, साजन बलमा, दिल के आशिक, आरजू वगैरह। लेकिन उस जमाने का और अभी का बहुत फ़र्क है, क्योंकि अभी किसी को म्यूजिकल पिक्चर पसंद है, किसी को कॉमेडी पिक्चर पसंद है, किसी को एक्शन पिक्चर पसंद है। बट अभी हमारे टाइम का और अभी का टाइम बहुत चेंज हो गया। हमारे टाइम में जो था पिक्चर सिल्वर जुबली होएगा तो पिक्चर हिट हो जाता है, आज का डेट में आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, और इतना बहुत इतना फ़र्क है। और ठीक है, बजट जो है आज बढ़ गया, क्योंकि हमारे टाइम पर हमने 23 पिक्चर्स मैंने बनी तो 1.5-2 करोड़ के ऊपर नहीं गए, लेकिन अभी वही पिक्चर अगर आज बनाना जाओ तो 60-70 करोड़ चाहिए। तो फिल्म का स्टैंडर्ड बड़ा है, आज इतना सारा जो पैसे लगा के लोग मतलब बड़े बड़े स्टार्स को लेके पिक्चर बनाते हैं, तो चलो स्टार का हिसाब से पैसा कवर होता है, लेकिन इस टाइप का पिक्चर बना के पैसा कमाना एक तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह का रोमांटिक फिल्म 90s में बनता था, कि अभी अगर उस दौर का फिल्म बनेगा तो उसको लोग पसंद करेंगे? लोग पसंद करेंगे, क्योंकि म्यूजिक और एक सब्जेक्ट अच्छा हो और क्लीन पिक्चर हो, डेफिनेटली पिक्चर चलेगा। और मैं भी अभी प्लानिंग कर रहा हूँ एज अ रोमांटिक लव स्टोरी बनाना, ट्रायंगल सब्जेक्ट है, एक्शन वगैरह में वो नहीं करता हूँ, म्यूजिकल पिक्चर और रोमांटिक पिक्चर, ट्रायंगल, इस टाइप का पिक्चर मैं अभी ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी आप लोग से सबसे मुलाकात होगी। तो कोई मतलब नया फेस है या कोई नया क्या? देखिए कुछ नॉन फेस है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि अभी अगर आज का डेट में अगर पिक्चर बनाना है तो हमारा जैसे कि कम से कम 7-8 करोड़ का कम से कम छोटे पिक्चर के लिए चाहिए, और थोड़ा उसे मीडियम बनाए तो 15 करोड़ चाहिए। तो वो अभी बजट जो है, लोग अभी पैसा लगाने वाले भी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं कि भाई पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि अगर इस टाइप का फॉलो तो जैसे अगर पिक्चर अगर मार्केट में आती है, पिक्चर हिट हो जाती है, तो लोगों का एक हिम्मत बढ़ जाता है, भाई नए को लेके पिक्चर हमने कामयाबी दी है। तो मेरा भी वही प्लानिंग है, नए को लेके बनाऊंगा, लेकिन 1-2 कैरेक्टर जो है पुराने होंगे जो सपोर्ट के लिए, बाकी ऐसा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा धीरज के साथ काम करके, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे हम लोग कि कुछ अच्छा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में इतनी आसानी से ब्रेक मिलना आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल होती है, बट ठीक है हमारा ये पहला ट्राई है, आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया हो और आगे भी हम लोग ऐसे ही मूवीज़ करती रहे हैं। अच्छे अच्छे सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कहीं भी नहीं लगता कि ये डायरेक्टर है, मतलब कहीं पे हमको भी अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना होता था तो हम बोलते थे तो बोलता हाँ ठीक है कर लो, अगर अच्छा लगता है तो वो हमेशा सपोर्ट करता है, मतलब कभी उसने हमें ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो बहुत सपोर्टिव है धीरज। सर आपको बताना चाहिए आपके किरदार के बारे में। ट्रेलर से तो आपको पता चल ही गया होगा मेरा किरदार क्या है, हाँ गे नहीं है। फिल्म करने में मज़ा आया, जैसे फालूदा नाम है तो शूटिंग के टाइम पर बहुत फालूदे हो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, मेहनत करते गए और फाइनली आपने देखा ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और काफ़ी इंजॉय किया हमने शूटिंग पे, फ्रेंडली है काफ़ी धीरज हमसे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में लगा हमें कि यार नई टीम है तो कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वॉल्व होते गए तो मज़ा आता गया और फालूदा बनता गया।
प्रैंक तो आए दिन होते रहते थे, मतलब एक बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे रात में 2 बॉटल चढ़ती थी, मैं बहुत बीमार थी शूट के दौरान, और सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 7 की शिफ्ट करती थी, 7 o'clock, तो मैं मतलब मुझे कम से कम नहीं तो 6-7 बॉटल्स चढ़ी हैं शूट के दौरान, और बाकी धीरज भी बता सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, लड़की ने बहुत, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और शूट किया। ओके सर, कुछ बताना चाहिए आपका, जैसे कि मैम कह रही है बॉटल चढ़े, तो आपकी काफी यहाँ पर वाहवाही हो रही है कि बहुत अच्छे से काम किया आपने। नहीं नहीं, तो क्या हुआ ना, जैसे कि बॉटल बता रही ना, तो उसका लुक पहले मैंने बोला था मोटा, बोला था होने के लिए, मैंने कहा था अच्छा चेहरा बड़ा सा मोटा सा लगना चाहिए देसी टाइप का, तो लेकिन बीमार हो गई तो बेचारी स्लिम टीम एकदम से मॉडर्न टाइप हो गई। मैंने कहा मेरा जो कैरेक्टर थोड़ा सा कैरेक्टर अलग हो रहा है, क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा सा देसी टाइप का है, अब देसी मॉडर्न, तो मैंने कहा कुछ करके थोड़ा सा चोटी करके कुछ, लेकिन उसने किया, मतलब उसकी मेन क्या होता है ना कि जो आर्टिस्ट होता है परफॉर्मेंस वाइज, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको आइडिया मिले उसने क्या किया, बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से किया। कितने सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हो गई और कहां का प्रमोशन हो रहा है? जैसे कि मेरी फिल्म एक स्मॉल बजट फिल्म नहीं है, मतलब छोटी फिल्म है, फिर भी हम लोग उसको इंडिया में कम से 300-400 टारगेट कर रहे हैं, 400 सिनेमा मतलब पूरे इंडिया के अंदर, और उसको जैसा कि मतलब बस सिनेमा जैसी फिल्म है उसके हिसाब से 400 थिएटर्स बहुत है हमारे लिए, और उसका हम प्रमोशन हर जगह पे कर रहे हैं, टीवी प्रिंट मीडिया जहाँ जितना सब देखोगे आप, हर जगह फालूदा दिखने वाला है आपको। एक स्टंट है कि वो एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये इजी नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम है जो सर ने बखूबी से निभाया, एज ए एक्टर भी और एज ए डायरेक्टर भी और एज ए फ्रेंड भी बहुत अच्छे से निभाया, इसके लिए थैंक यू कहूँगा मैं सर। काम मुश्किल है डायरेक्शन, जो मेजर जो सबसे बड़े पीपल हैं, जो कि टैलेंटेड पीपल बोल सकते हो आप, जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो डायरेक्टर, मैं अब सर से पूछो सर ज़्यादा अच्छा आंसर करेंगे, उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि हाँ एक्टिंग आसान नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा टफ, अगर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है तो आपका डायरेक्शन है, वो बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कितने गाने हैं और कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म के अंदर 3 गाने हैं और एक टाइटल ट्रैक है, तो फिल्म के 4 गाने हैं, जो कि 2 हमने विजुअल्स रखे हैं, बाकी 2 हमारे आइटम टाइटल टाइटल ट्रैक में जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रही है कि ऊपर है, क्या होगा, या तो ऊपर ले जाए या नीचे गिराए। आपको कब लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए? ये बातों ही बातों में कुछ अच्छा लगा कि चलो ये किया जाए, और हमने किया। हाँ यस, बहुत अच्छा लगा हमें, और चार मीटिंग में इसके बाद हमको लगा बनानी चाहिए, और बहुत ही मेहनत है इसमें, हमारे एक्टरों ने बहुत इसमें मेहनत की है, दिल तोड़ के एकदम, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है फिल्म का और काफी दिनों की मेहनत रंग लाई है। हाँ, काफी दिनों की बहुत मेहनत की है लोग ने, धीरज सर ने, आकाश भाई ने, और हम लोग ने, और अतुल ने, ये सब ने मेहनत बहुत की है, 4-5 महीना हो गया है, तो अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है आज, देखो ऊपर वाला, अभी ऊपर वाला कितने तक ले जाता है। कॉम्पिटेंट के सुनी, मतलब कहानी सुनी तो अच्छा लगा, बोला अभी लगाते हैं, देखो क्या करता है ऊपर वाला। अभी पहले से था क्या ये पहली फिल्म है आपकी? नहीं, फर्स्ट फिल्म है, पहली फिल्म है। ओके सर, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? चलिए सामने के यहाँ पे। पूछिए सर, पूछिए क्या आप कुछ ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हम लोगों ने जो मेहनत किया है अभी वो रिजल्ट सामने दिख रहा है, बट आप लोगों से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे परख लें, और बोलिए पूछिए पूछिए पूछिएगा तब बोलूँगा। ओके, गाने भी इस फिल्म में 3 गाने हैं और कॉमेडी है, काफ़ी मजाक मस्ती है फिल्म में, तो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था आपको लगा कि ऐसे ही होगा? ऐसे ही कॉमेडी तो हमने सोचा ही था पहले से, हमारा डिसाइड था कि हमें कॉमेडी ही करना है, तो अच्छा लगा इसलिए हमने सोचा। ओके, कितने थिएटर में रिलीज करने का है ये? हम 200-250 थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, अभी ऑल इंडिया पे रिलीज कर रहे हैं। प्रमोशन कैसा होगा कुछ बताना चाहिए? प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जब तक प्रमोशन हमारा सोशल मीडिया से लेके होर्डिंग से लेके और जी वगैरह से भी हमारा चल रहा है सारा। ओके, आगे की क्या है आपका, मतलब आगे कौन सी फिल्म में आप इन्वेस्ट करेंगे? आगे हम तो अभी ओपन नहीं कर सकते हैं, बट हमारा बहुत जल्दी जून से चालू हो जाएगा। आगे और बैठ कर लेंगे।